जय हिंद, दिस इज रजत प्रभाकरन, वेलकम टू कक्षा केंद्र क्लासेस। स्टूडेंट्स, राइट नाउ वी आर स्टडिंग क्लास 11th मैथमेटिक्स एंड गोइंग टू डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.3। इन दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सबसेट्स। एक्सरसाइज 1.2 वी हैव कम्प्लीटली फिनिश्ड। तो बेटा, एक्सरसाइज 1.3 में है आपका एक नया टॉपिक जो इंट्रोड्यूस होने वाला है, वो है सबसेट्स। ओके बेटा, सबसेट्स होते क्या हैं? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पहले मान लिया मैंने, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, और ए को मैंने क्या डिफाइन किया है, सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द स्कूल, राइट। और बी सेट क्या दिया गया है, सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑफ सेम स्कूल डिस्क्राइब्ड इन द अबव। ठीक है बेटा, मतलब क्या है इसका? देखिए, सेट ए मैंने ऐसा लिया है जिसमें सारे के सारे स्टूडेंट हैं, वो भी स्कूल के, गॉट इट। और बी एक ऐसा सेट लिया है जिसमें सारे के सारे स्टूडेंट हैं क्लास के, उसी सेम स्कूल के जो कि ऊपर डिस्क्राइब किया गया है। तो आप समझ रहे होंगे थोड़ा थोड़ा कि ये जो बी वाला सेट है, इसके सारे एलिमेंट ए में एग्जिस्ट करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि स्कूल में तो सारी क्लासेस के स्टूडेंट्स होंगे और यहां पर सिर्फ एक क्लास के स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। यानी जितने भी स्टूडेंट्स होंगे इस सेट बी में, वो ऑलरेडी सेट ए में होंगे, गॉट इट। यही होता है सबसेट, गॉट इट। तो सबसेट क्या होता है? तो यहां पर बी सबसेट है, लेट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, सारे के सारे एलिमेंट सेट बी के, इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि अगर सारे के सारे एलिमेंट्स सेट बी के सेट ए में हैं या सेट ए में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, देन बी इज कॉल्ड सबसेट ऑफ किसका, यहां पर ए का, गॉट इट। बात आ रही समझ में? और इसको लिखा जाता है रीड एज, इसको ऐसे लिखा जाता है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ध्यान रखना यहां लिखते समय, छोटा सेट कौन सा है? छोटा सेट है बेटा बी, तो बी सबसेट है ए का। बात आ रही है समझ में? ठीक है, गॉट इट। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर सारे के सारे एलिमेंट सेट बी के सेट ए में हैं, तो इसका मतलब बी जो है सबसेट हो गया ए का। बात आ गई समझ में? थोड़ी थोड़ी समझ आई? ठीक है, एक मैं एग्जांपल देता हूं बेटा। हमने मान लिया लेट, अब की बार मैं सी मानता हूं, कोई सी सेट है लेट, जिसके अंदर एलिमेंट दिए गए 1, 2, 3, 4 एंड 5, और यहां पर एक डी सेट ले लिया मैंने 2, 3। तो अब ये बताइए कौन सा सबसेट होगा? देखो, 2 और 3 दोनों एलिमेंट इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं, इसका मतलब डी इज अ सबसेट ऑफ सी। बात आ रही है समझ में? ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा? अब इसको, इसका मतलब क्या है? अब ये बताइए, अगर बी सेट के अंदर अगर कोई एलिमेंट है, अगर बी सबसेट है ए का, तो इसका मतलब जो एलिमेंट बी में है वो पक्का ए में होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? बात आ गई समझ में? ठीक है, तो बस यही लिखना है, इफ ए बिलोंग्स टू बी, इफ ए बिलोंग्स टू बी, देन इट इंप्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। यहां पर मैंने स्मॉल ए एक एलिमेंट लिया है, अगर बी
ए सेट का सबसेट है, इसका मतलब जो ए सेट के अंदर एलिमेंट है, जो बी सेट के अंदर एलिमेंट है, वो 100% ए सेट के अंदर भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो बी सबसेट है सेट ए का। क्लियर हो गई बात? बात समझ आ गई बेटा आप लोगों को? ठीक है। और इसको पढ़ते कैसे हैं? देखो, इस साइन का मतलब होता है, ठीक है, सबसेट, गॉट इट। और इसका मतलब होता है इम्प्लाइज, इम्प्लाइज, इम्प्लाइज का मतलब पक्का, 100%। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, बात आ गई समझ में? ठीक है, लेकिन अभी आप यहां पर एक बात समझिएगा। डेफिनेशन को आपने रिकॉल कर ली, एक बार और रिकॉल कर लेता हूं। अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट, ध्यान से सुनना, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट एग्जिस्ट इन अनदर सेट, अगर सारे के सारे एलिमेंट किसी सेट के दूसरे सेट में होते हैं, तो वो जो छोटा वाला सेट होता है वो हमेशा सबसेट होता है बड़े वाले सेट का। छोटा वाला सबसेट होता है। यहां पर आप देख रहे हैं, डी इज ए सबसेट ऑफ सी, छोटा सेट है टू डी, जिसके अंदर सिर्फ 2 और 3 एलिमेंट है, और सी एक सबसेट सेट है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट है। तो यहां पर डी इज अ सबसेट ऑफ सी, गॉट इट। यहां पर ये नहीं हो सकता कि सी इज अ सबसेट ऑफ डी। बात आ गई समझ में? ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि देख लो, सी के सारे एलिमेंट डी में नहीं है। ठीक है, और इस बात का मतलब और समझिएगा। देखो, आप दिख रहा है, अगर D सबसेट है तो D के सारे एलिमेंट C में होंगे, यानी D के अंदर 2 है तो 2 बिलोंग कर रहा है D से, तो इट इम्प्लाइज दैट, देखो, 2 C में भी होगा, 2 बिलोंग्स टू C। अगर 3 बिलोंग कर रहा है D से, तो आपको दिख रहा है इट इम्प्लाइज दैट, इट इम्प्लाइज, इम्प्लाइज होता है इसका मतलब कि 3 भी बिलोंग करेगा सेट सी से। बात आ गई समझ में? क्लियर हो रही है? सबसेट की डेफिनेशन समझ में आ गई, सबसेट क्या होता है वो आपको समझ में आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बेटा एक बात और सुनिएगा ध्यान से, बहुत कॉमन, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग बात है। देखो बेटा, एनसीईआरटी, देखो मैं एग्जाम्पल देता हूँ। ए एक सेट है 1, 2, 3, ठीक है, ध्यान से सुनिए। बी एक सेट है जिसमें भी है 1, 2, 3। तो आप यहां पर एक बात नोटिस कर रहे हैं कि ए सबसेट है बी का और बी भी सबसेट है ए का। ऐसा कब हो सकता है? कब हो सकता है? ध्यान से सुनिए, ए सबसेट है बी का, साफ दिख रहा है आपको, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी भी सबसेट है ए का। इसका मतलब ये है, इट इम्प्लाइज दैट 100% सेट ए और सेट बी इक्वल सेट हैं। बात आ गई समझ में? बात आ रही है समझ में? क्लियर हो रही है? ठीक है, तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, अगर दोनों सेट इक्वल हैं तो एनसीईआरटी इस तरीके से इक्वल का साइन नहीं रिकमेंड करता है। ये नीचे इक्वल, इसका मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इक्वल्स टू बी है, गॉट इट। उसने हर जगह सबसेट को ही डिनोट किया है। इवन दो बोथ सेट्स आर हैविंग अ इक्वल एलिमेंट और हैविंग अ सेम एलिमेंट। बात आ गई समझ में? ठीक है, डिफरेंट साइड बुक्स में इसका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो पॉइंट की बात थी, मैंने आपको ये समझाई कि कहीं पर अगर ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि दोनों सेट इक्वल भी होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है और सुपर सेट क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, लेट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, डिस्कस कर लेते हैं टू टर्म्स। पहली है प्रॉपर सबसेट और दूसरी है सुपर सबसेट।
देखिए बेटा प्रॉपर सबसेट और सुपर सबसेट क्या होता है, ध्यान से देखिए। अगर ए और बी दो सेट्स दिए गए हैं, ए एंड बी आर टू सेट्स, और इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, मैंने अभी बताया था ना एनसीईआरटी नहीं लिखता है नीचे का इक्वल का साइन, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या हो गया, ए इज प्रॉपर सबसेट। कहने का मतलब यह है जो भी सेट सबसेट होगा दूसरे का, याद रखना जो भी सेट सबसेट होगा बड़े वाले सेट का, जहां पर ए इज नॉट इक्वल्स टू बी होगा वहां पर सेट ए जो है प्रॉपर सबसेट होगा। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं बेटा, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। लेट से एक ए सेट दिया गया है, इजी सा एग्जाम्पल ले तो 2 3 4, गॉट इट, और बी दिया गया है 1 2 3 4 5 6। तो आप यहां पर साफ देख रहे हैं ए के सारे एलिमेंट बी सेट में हैं, इसका मतलब ए सबसेट हो गया बी का, बट ए और बी नॉट इक्वल्स टू हैं, दोनों में बराबर एलिमेंट नहीं है। अगर बराबर एलिमेंट नहीं है तब ही प्रॉपर सबसेट और सुपर सबसेट एग्जिस्ट होता है, ठीक है। तो यहां पर ये जो ए सेट होगा ये ए होगा क्या, प्रॉपर सबसेट। बात आ गई है समझ में सभी स्टूडेंट्स को, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन बहुत प्यार से बता रहा हूँ जिससे आप बहुत अच्छे से कर पाए। तो आपको दिख गया ये जो सेट ए होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा। चलिए आगे देखते हैं सुपर सबसेट के बारे में, यहां पर भी यही बात लिखिए, ए एंड बी आर टू सेट, ए और बी दो सेट दिए गए हैं और सेम कंडीशन है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो सुपर सेट क्या होता, सुपर सबसेट क्या होगा, बी, बी इज सुपर सबसेट, बी इज सुपर सबसेट। बात आ गई समझ में। सेम इसी एग्जाम्पल को अगर हम लेते हैं, ठीक है, इसी एग्जाम्पल में बी जो होगा वो सुपर सबसेट होगा, ठीक है, यानी कि जो सबसेट होगा वो होता है प्रॉपर सबसेट, और जिसका सबसेट होता है, जिस सेट का सबसेट होता है वो होता है सुपर सबसेट। बात आ गई समझ में, आई होप आपको समझ आई हो। एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, मैंने कहा कि प्रॉपर सबसेट कब होगा, जब कोई भी सेट ए वो बी का सबसेट होगा और ए सेट इज नॉट इक्वल्स टू बी सेट, देन उस कंडीशन में जो सबसेट वाला सेट होता है, सबसेट वाला सेट होता है वो होता है प्रॉपर सबसेट, और जो जो बड़ा वाला सेट होता है यानी जिसका सबसेट होता है, जिसका यानी कि यहां पर बी का सबसेट है, ठीक है, ए, तो वो होता है सुपर सबसेट। गॉट इट, तो एक छोटी सी टर्म्स आपको समझ में आ गई। अब इस सबसेट पर बेस्ड कुछ रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है, कुछ रिजल्ट्स जो कि थ्योरम के माध्यम से आपको समझाते हैं कि इनसे हमें क्या क्या चीजें सीखने को मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, लेट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, डिस्कस कर लेते हैं थ्योरम्स के बारे में। ये कह रहा है कि पहली थ्योरम, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, भाई हर एक सेट खुद का सबसेट तो होगा ही होगा, भाई खुद का सबसेट भी होगा और खुद के इक्वल भी होगा, इसमें तो कोई दोराय नहीं है। अगर कोई ए सेट ले लिया मैंने जो 1 2 3 है, तो आपको पता है ए इज अ सबसेट ऑफ ए होगा हमेशा, और ए इक्वल्स टू बी भी तो, ए इक्वल्स टू ए भी तो होगा, ठीक है। तो एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड ऑल्सो अ इक्वल सेट, ठीक है, खुद का सेट होगा क्योंकि सारे एलिमेंट्स खुद में तो हैं उसके, ठीक है, समझ में आ गया, छोटा सा कॉन्सेप्ट था। थ्योरम टू कह रहा है द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। देखिए अगर कोई एम्प्टी सेट दिया गया है फाई, ये भाई हर एक सेट का होता है, हर एक सेट का सबसेट होता है एम्प्टी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होते, और अगर किसी भी सेट के अंदर कुछ भी एलिमेंट है, समझ रहो, कुछ भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट हो, तो वो हमेशा क्या होगा, एम्प्टी सेट सबसेट होगा हर एक सेट का, ठीक है। दूसरा, अच्छा टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बन सकते हैं,
ध्यान से सुनिए, उसने लिखा है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज 2n। कहने का मतलब अगर किसी सेट में एन एलिमेंट है, ठीक है, एन एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बन सकते हैं? नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे 2n। समझ में आ गई बात? एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं यही सेट ले लेता हूँ, सेट ए, इसके अंदर 1, 2, 3 क्या हो गए? एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। और ध्यान से सुनिएगा, तो इसके अंदर कितने सबसेट बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, और फिर मैं बनाकर भी दिखाता हूँ आपको, नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे 2n, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर n की वैल्यू 3 है, तो 2n 3 यानी कि कितना हो गया, 8। अब बच्चे कहेंगे सर 8 सबसेट बना के दिखाओ। देखो सबसे पहला सबसेट तो हो गया एम्प्टी 5, दूसरा हो गया सिंगल सिंगल 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट, ठीक है। और फिर डबल डबल ले लो, डबल लिया तो 1 2 आपको दिख रहा है, 2 3 गॉट इट, और एक हो गया 3 1 गॉट इट, ये हो गए। और एक तीनों के तीनों 1 2 3 चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के 8 सबसेट हो गए, नहीं हो गए? बताइए, बनाना सीख लो। 5 तो हमेशा रहेगा, मैंने बताया कि 5 जो है यानी कि एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है। उसके बाद पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट लो, बन गए जितने भी हैं, उसके बाद डबल डबल एलिमेंट्स लेते रहो, ठीक है। अब कोई बच्चा ये नहीं करेगा 1 2 का 2 1 कर दे, ठीक है, नो। एलिमेंट्स यहाँ पर ऑर्डर्ड नहीं होते हैं, ऑर्डर्ड एलिमेंट नहीं होते हैं, कहीं पर 1 2 लिखा है तो उसका मतलब 2 1 भी है, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर में नहीं होते हैं, मतलब ऑर्डर्ड नहीं होते, ऑर्डर्ड का मतलब होता है कि पहले स्थान पे तो पहले पे ही रहेगा, ठीक है। और अगर हमने प्लेस चेंज कर दिया तो एक नया सेट बन गया या नया सबसेट बन गया, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने 8 के 8 सबसेट देख लिए बनाने, ठीक है, और ये थी आपके सामने रिजल्ट्स ऑन सबसेट, ठीक है। स्टूडेंट्स चलिए अभी हम सबसेट सीखते हैं कुछ रियल नंबर्स के, ठीक है। और रियल नंबर के सबसेट तो बहुत आसान है, ठीक है, कहने की या बताने की जरूरत है नहीं, फिर भी मैं आपको डायरेक्टली यही बता देता हूँ, ठीक है, कहीं पर स्पेस है या सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स, ठीक है, सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, आप यहाँ पर जानते हैं कि n क्या होता है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स होता है कि नहीं होता है, ठीक है। आगे z क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स होता है, गॉट इट। और z काम का है हमारे यहां पर, q ले लो, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, रैशनल नंबर होता है रैशनल नंबर। और t जो होता है, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, गॉट इट बेटा। अब देखो हम इनके सबसेट बनाते हैं, देखो आपको पता है सारे के सारे एलिमेंट यानी कि नेचुरल नंबर सारे के सारे किस में आएंगे, साफ देखो z यानी इंटीजर्स में आएंगे, बात आ गई समझ में। और सारे के सारे इंटीजर्स किसके अंदर आएंगे, रैशनल नंबर q के अंदर, बात आ गई समझ में। तो देखो चैन बन गई कि नहीं बन गई, देखो नेचुरल नंबर हमेशा सबसेट होता है इंटीजर का, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स के अंदर होते हैं, और जो इंटीजर्स होता है वो सबसेट होता है रैशनल नंबर का, क्योंकि सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर में आ जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता है जो रैशनल नंबर होता है वो सबसेट होता है किसका, रियल नंबर्स का। तो रैशनल नंबर यानी क्यू, क्यू हमेशा किसका होता है सबसेट, रियल नंबर्स का होता है, ठीक है। ऐसे आप होल नंबर को भी जोड़ सकते हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे होल नंबर आप जानिए, ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा ये रफ कर देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। होल नंबर नेचुरल नंबर सबसेट होता है होल नंबर का, सारे के सारे नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स होल नंबर के अंदर होते हैं, और होल नंबर किसका सबसेट होता है, इंटीजर्स का, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर सारे इंटीजर्स सबसेट होता है रैशनल नंबर का, और रैशनल नंबर किसका सबसेट होता है, ठीक है, रियल नंबर्स का, ठीक है, बात आ गई समझ में, ठीक है। तो आपको ये चीजें तो समझ में आ रही हो, अगर देखो बेटा आपके पास, आपको ये पता है ना सेट के बारे में, कौन सा अल्फाबेट किस सेट को डिनोट कर रहा है, तो आप आसानी से बना सकते हो। बस आपको ये देखना कि सारे के सारे एलिमेंट जिसका सबसेट बना रहे हैं उसमें एग्जिस्ट है कि नहीं है,
जैसे अगर मैं बनाने लगूं रैशनल नंबर का और नेचुरल नंबर का, ठीक है, तो अभी बताइए रैशनल नंबर यानी कि q, q सबसेट होगा नेचुरल नंबर का, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि q के अंदर जो सारे एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर्स में नहीं आते। तो देख लो, नॉट ए सबसेट, नॉट ए सबसेट को ऐसे डिनोट किया जाता है, बात आ गई समझ में, कट कर दिया जाता है। बस हाँ, नेचुरल नंबर सबसेट होता है रैशनल नंबर का, ये बात सही है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ चैन दी गई थी, रिलेशन दिया था, ठीक है, जो मैंने आपको समझा दिया है। आगे स्टूडेंट्स हम सीखते हैं इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर, बहुत अच्छी चीज है, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, लेट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर, मतलब क्या है इसका। देखिए अगर कोई भी आपको दो रियल नंबर्स दिए गए हैं, अगर उनके बीच में फिक्स्ड नंबर्स हैं तो आप उसको कैसे डिनोट करेंगे, और उनके बीच में फिक्स्ड नंबर नहीं है तो उनको आप कैसे डिनोट करेंगे। तो कुल मिलाकर ये एक इंटरवल है कि वन एंड और टू एंड पर ये कैसी सिचुएशन में होता है और कैसे दिखाते हैं। देखो समझो ध्यान से, क्लोज इंटरवल, लेट ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स सच दैट ए जो है ग्रेट लेस देन है बी से, ए और बी दो रियल नंबर्स हैं जिसमें ए लेस देन है बी से, देन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्स सच दैट, यानी कि सारे के सारे रियल नंबर्स एक्स का जो सेट होगा वो क्या होगा, या तो एक्स की वैल्यू ए के इक्वल होगी ग्रेटर देन होगी, या फिर बी के इक्वल होगी बी से लेस देन होगी, बात समझ गए। इस कॉल्ड अ क्लोज इंटरवल, इसे क्लोज इंटरवल कहा जाता है क्योंकि दोनों तरफ से ये लॉक्ड हो गया। कैसे अभी नहीं समझे, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और एग्जांपल के द्वारा मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है, फिगर के द्वारा समझाता हूँ। देखो सबसे पहले देखिएगा ये नंबर लाइन है, ये इनफाइनाइट तक जा रही है और ये भी इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि भैया ए बंद कर देंगे ब्लॉक ए, और ये भी क्या हो गया बंद, ठीक है, किससे डिनोट करते हैं इसको, डॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है, यानी कि क्लोज्ड बंद कर देते हैं, बात आ गई समझ में, ठीक है। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपके सामने, ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे, ठीक है। जैसे हमारी माइनस वन ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू टू है, तो आपको साफ दिख रहा है कि जो एक्स की वैल्यू होगी क्या होगी, माइनस वन और टू के बीच की होगी कि नहीं होगी, बात आगे सुनिए, होगी कैसे, उसने बोला है एक्स इज क्या हो गया लेस देन इक्वल्स टू टू और ग्रेटर देन माइनस वन, बात ध्यान से समझना, इसका मतलब नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ये जीरो है, ये क्या होगा वन, ये होगा टू, ये होगा माइनस वन, तो आपको दिख रहा है ये दिस एंड दिस क्या होगा, ये क्लोज्ड, और आंसर एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी माइनस वन जीरो वन टू, क्यों क्यों होगी, क्योंकि उसने बोला है कि ये एक्स की वैल्यू इनके इक्वल भी है, एक्स की वैल्यू इनके इक्वल भी है, और इसको डिनोट कैसे करेंगे, डिनोट करने का तरीका क्या, ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से बंद कर देंगे माइनस वन कोमा टू, इसका मतलब क्या है कि माइनस वन और टू भी काउंट है और इनके बीच की जितनी भी वैल्यू है वो एक्स है, कैसे, तो सबसेट क्या बन गया बताओ, सबसेट क्या बन गया, क्या क्या वैल्यू आएंगी, माइनस वन जीरो वन एंड टू, ये बन गया सेट। इसको हम डायरेक्टली इस तरीके से भी लिख देते हैं ये रहा, ठीक है, अगर ये वाले ब्रैकेट लगे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एलिमेंट लिखे हैं ये भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है, ठीक है। तो ये था आपके सामने क्लोज्ड इंटरवल, इनका था क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है। एक और एग्जांपल लूं समझाऊं, देखो मैंने सपोज करो एक और एग्जांपल ले लिया, मैंने इस तरीके से लिख दिया 2.5, इसका मतलब क्या है 2 और 5 दोनों के दोनों किस में है, क्लोज्ड इंटरवल में है, और वैल्यू कैसे लिखी जाए, क्या क्या वैल्यू मिलेगी 2 3 4 5, बन गया सेट, और इसको नंबर लाइन पर कैसे डिनोट करेंगे, दिख रहा है आपको साफ, यानी कि कहीं पर 2 3 4 5
और आप इस तरीके से इनको डॉट लगा देंगे, ओपन नहीं रखे, उसको नोड बोलते हैं, नोड, ठीक है। तो यहां पर इसको क्लोज्ड कर देंगे, इसका मतलब क्या, ये भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल, इसके बीच की भी सारी वैल्यू काउंटेबल है। समझ में आ गया क्लोज इंटरवल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए ओपन इंटरवल क्या है, इसका जस्ट उल्टा है। ओपन का मतलब क्या है कि ये ओपन है, खुला है, कैसे, हाँ जी देखिए कह रहा है कि लेट ए एंड बी टू रियल नंबर्स सच दैट ए इज ग्रेटर देन लेस देन बी देन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्स सच दैट कि एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है ए और लेस देन है बी, इस कॉल्ड एन ओपन इंटरवल्स, उसको ओपन इंटरवल्स कहा जाएगा। क्योंकि यहां पर देखिए इक्वल की कंडीशन खत्म हो गई, और इक्वल की कंडीशन खत्म हो गई तो क्या हो गया, ये ओपन इंटरवल हो गया। समझ में आ गई, ओपन इंटरवल हो गया। और इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, डिनोट कैसे करते हैं, नंबर लाइन पर देखिए इस तरीके से डिनोट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ब्रैकेट बता देता हूं, अगर इन दोनों ब्रैकेट के अंदर बंद है इसका मतलब क्या है, एक ऐसी वैल्यू है, बताओ ओपन वैल्यू है, ठीक है। और या फिर इस तरीके से लिखा होगा, बात आ गई समझ में। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये पॉजिटिव इनफाइनाइट, ये नेगेटिव इनफाइनाइट, ए की वैल्यू ये रही, बी की वैल्यू ये रही, और इस तरीके से ओपन नोड लगा देंगे, बात आ गई समझ में, नोड लगा देंगे, ठीक है। और ये कैसा सेट बनेगा बताओ, ये कैसा सेट बनेगा, ये इनफाइनाइट सेट बनेगा, ठीक है बेटा, कैसा सेट बनेगा, ये इनफाइनाइट सेट बनेगा, गॉट इट। तो देखिए ये हो गया ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैंने बताया ये रहा, ठीक है। अगर कहीं पर ब्रैकेट में देखो, ध्यान से लिखो, अगर ऐसे ब्रैकेट में लिखा है 1, -1, 7 लिखा है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, समझ में आ रही है, नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है, नंबर्स लिखेंगे, ध्यान से देखो, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इधर आ गया ये इनफाइनाइट नेगेटिव, और ये आ गया पॉजिटिव इनफाइनाइट, और ये देखिए बना दिया मैंने क्या, नोड, ठीक है, बात आ गई समझ में, -1 और 7। और कैसा सेट हुआ ये, इनफाइनाइट, चूंकि जब ये क्लोज्ड नहीं है, इसके आगे की वैल्यू भी हम ले सकते हैं, इधर से आगे की वैल्यू भी ली जा सकती है, तो क्या हुआ, इसमें फिक्स्ड एलिमेंट हुए नहीं, तो ये कैसा होता है, इनफाइनाइट होता है सेट, इसका जो सेट बनता है इनफाइनाइट, और इसका जो सेट बनता है वो कैसा बनता है, फाइनाइट सेट। बेटा समझ में आ गया क्लोज्ड इंटरवल एंड ओपन इंटरवल्स। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल्स। स्टूडेंट लेट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स डिस्कस कर लेते हैं सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स के बारे में। देखिए सेमी ओपन का मतलब होता है कि एक तरफ खुला एक तरफ बंद, और सेमी क्लोज्ड का मतलब भी क्या हुआ, एक तरफ बंद एक तरफ खुला, बात एक ही है, तो इसलिए और का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, आपको साफ दिख रहा है, ठीक है, कि ए और बी अगर दो रियल नंबर्स हैं जिसमें ए ग्रेटर लेस देन है बी से, तो अगर एक्स की वैल्यू, जो एक्स रियल नंबर होगा जो मैंने समझाया था आपको, ठीक है, वो ए के से ग्रेटर देन होगा और बी से इक्वल होगा और लेस देन होगा, ठीक है, तो इसको आप कैसे डिनोट करते हैं, जिधर इक्वल टू का साइन नहीं होता उस तरफ ये वाला ब्रैकेट लगता है, ठीक है, और जिस तरफ इक्वल्स टू का साइन होता है उधर आपका यही ब्रैकेट लगता है, ठीक है। मैंने उधर आपको बताया था अगर क्लोज्ड होता है तो इस तरीके से लिखते हैं, ओपन होता है तो इस तरीके से लिखते हैं, या फिर इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। और अगर जिस तरफ भी ओपन हुआ, इस तरफ ओपन है इस तरफ क्लोज्ड है, तो इसको या तो आप इस तरीके से लिखोगे या फिर इस तरीके से लिखोगे, गॉट इट, ये ओपन हो गया ये क्लोज्ड हो गया। और अगर अगर इधर क्लोज्ड होता है इधर ओपन होता है तो इस तरीके से लिखोगे या फिर आप इस तरीके से लिखोगे, बात आ गई समझ में, ठीक है, यही बात यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई है, ठीक है। आगे इधर देख लेते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करूँगा। नंबर लाइन पर ये माइनस क्या होगा, इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट, और देखिए मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पहले इस वाले का, ठीक है, जिसमें क्या है, ए ओपन है और बी क्लोज्ड है,
तो ध्यान से देखो, यहां पर ए लिख दिया, यहां पर बी लिख दिया, यहीं पर ए क्यों लिख रहा हूं बेटा मैं? क्योंकि ए की वैल्यू छोटी है बी से, और छोटी वैल्यू हमेशा इधर की साइड आती है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ए, ए पर क्या बनेगा आपका? नोड बनेगा, ओपन, और बी की तरफ क्या बनेगा? क्लोज्ड बनेगा। बात आ गई समझ में? समझ में आ गई बात? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन। आगे नेक्स्ट देखिएगा, इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो यहां देखिएगा ध्यान से, ये माइनस इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट, ये ए हो गया, ये ई हो गया, तो अब की बार इधर ओपन बनेगा यानी नोड, क्योंकि इधर ओपन है, और इधर बनेगा क्लोज्ड, तो यहां पर बनेगा डॉट। बात आ गई समझ में? क्लियर हो गया किस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, मैं दो तीन एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल लेकर आप करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जैसे मैं लिख देता हूँ 2, 3, मैं लिख दिया -2, 5, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ये कैसा है? क्लोज्ड दोनों तरफ। और इसको नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे बेटा? इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है। ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट, 0, 1, 2, 3, गॉट इट। और ये देखिए दोनों तरफ क्लोज्ड बन गया, ठीक है। और इसकी सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा? सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? एक्स इज सच दैट, ठीक है, एक्स इज सच दैट, एक्स इस तरीके का नंबर है, ठीक है, विच इज एक्स बिलोंग्स टू आर रियल नंबर्स, और जहां पर एक्स की वैल्यू जो है, देखो ध्यान से क्या दी गई है, 2 के इक्वल है और लेस देन है, और 3 से, सॉरी, ग्रेटर देन एक्स की वैल्यू और लेस देन इक्वल है 3 है। देखो ये सेट बिल्डर फॉर्म होगी। पहचानने का तरीका क्या? इक्वल्स टू लगे हुए होंगे, इक्वल्स टू है तो क्लोज्ड है, देखो दोनों तरफ क्लोज्ड है। बात आ गई समझ में? ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं एक और एग्जांपल के बारे में जो मैंने आपको दिया था। इसको देखते हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप नंबर लाइन पर? इसको रिप्रेजेंट करोगे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, गॉट इट। और कैसे करेंगे ये देखिएगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, इधर क्या है? क्लोज्ड है तो क्लोज बना दिया, इधर ओपन है, इधर ओपन बना दिया। बात आ गई समझ में? ठीक है, और साथ ही साथ इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या लिखेंगे? एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए रियल नंबर, और जहां पर एक्स की वैल्यू क्या है? इधर क्लोज्ड है तो इक्वल्स टू आएगा, राइट हैंड साइड में ओपन है तो यहाँ ओपन का सिर्फ इक्वल्स टू नहीं आएगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर -2। बात आ गई समझ में? मैंने तीनों फॉर्मेट आपको समझा दिए हैं, ब्रैकेट, रिप्रेजेंटेशन ऑन अ नंबर लाइन एंड सेट बिल्डर फॉर्म। एक्सरसाइज में इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब दो छोटे से चीजें हैं, एक तो यूनिवर्सल सेट है और एक पावर सेट है। उसके बाद आप सीधे प्रोसीड करेंगे कल एग्जाम्पल एंड देन प्रोसीड टू द एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट, लेट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, डिस्कस कर लेते हैं यूनिवर्सल सेट और पावर सेट के बारे में। देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है? अ सेट दैट कंटेन ऑल सेट इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यानी यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसके अंदर सारे एलिमेंट समाये हुए होते हैं, जैसे यूनिवर्स। आपको पता है पूरे यूनिवर्स के अंदर सारे के सारे चीजें समाई हुई हैं, ठीक है, जैसे सारे के सारे जितने भी कहना चाहिए ग्रह, ठीक है, सन, मेट्रोइड्स, एस्ट्रॉइड्स, ठीक है, ब्लैक होल एंड एवरीथिंग, उससे बाहर कुछ है ही नहीं, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है, जैसे यूनिवर्स से मिलकर बना है। और इसका मतलब ये है, देखिए जैसे मैं एग्जांपल लूँ, ए सेट के अंदर सपोज करो 1, 2, 3 एलिमेंट है, बी के अंदर 3, 4, 5, 6 और 1 एलिमेंट है, और सी के अंदर 3, 4, 9, 8, 10, 25 ये है, तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट हो, सब कुछ, तीनों के तीनों सेट यूनिवर्सल सेट के अंदर समा गए हो। बात समझ में आ रही है? तो यूनिवर्सल सेट को डिनोट करते हैं यू से। और देखिए क्या क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 25 देख लो, सारे के सारे एलिमेंट हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 9, 3, 4, 9, 8, 10, 8, 10, 25, ये कैसा हो गया? यूनिवर्सल सेट, ठीक है। जैसे, या फिर यूनिवर्सल सेट अगर मैं थ्योरी में लिखूं,
देखो यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, इस ए के लिए 1 2 3 है, क्या है ये नेचुरल नंबर, और मैं यहां लिख दूं यूनिवर्सल को सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। बात आ गई समझ में आपको, पता है जिसके सारे एलिमेंट यू में आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, सारे एलिमेंट समा जाएंगे, ठीक है, बात आ गई समझ में। तो ये कहलाता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक और बढ़िया टॉपिक था, ठीक है। अगली टर्म डिस्कस कर लेते हैं पावर सेट के, मतलब पावर सेट क्या होता है। ये कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए, सेट ए के सारे सबसेट का कलेक्शन, सारे सबसेट हो जिसके अंदर, यानी सारे सबसेट से बनने वाला एक सेट, इज कॉल्ड अ पावर सेट ऑफ ए। और इसको डिनोट करते हैं मेनली, अगर सेट ए का निकालना है तो पी ए लिखते हैं, सेट बी का निकालना है तो पी बी लिखते हैं। और सबसे मजे की बात, सारे एलिमेंट इसमें खुद ही सेट होते हैं, पहचानो कैसे, जैसे आप जानते हैं 1 2 और 3 का सेट बी मान लिया मैंने, या ए मान लू क्योंकि ए डेफिनेशन में लिखा है 1 2 3, इसके सारे सबसेट बताओ क्या क्या बनेंगे। तो ऑल सबसेट्स क्या क्या होंगे इसके, मैंने बताए थे अभी बनाने, सबसेट्स 5 1, फिर अकेला 2, ठीक है, फिर 3, फिर क्या हो जाएगा, गॉट इट, फिर क्या हो जाएगा 1 2, दो दो करके ले लेंगे, फिर क्या हो जाएंगे 2 3, फिर क्या हो जाएगा 3 1, और फिर क्या हो जाएगा सारे के सारे 1 2 3, 8 बन गए होंगे टोटल, 2 की पावर n फॉर्मूला बताया था, 1 2 3 4 5 6 7 8। और मैं इन सबको एक सेट के अंदर रख दूं, सबके अंदर एक सेट के अंदर रख दूं, तो सेट के अंदर सेट पावर सेट, देख रहे हैं, कोई भी एलिमेंट ऐसे नहीं लिखा जा सकता, बहुत ध्यान से समझ लेना, ठीक है। और ये देखिएगा, ये बन गया पावर सेट पी ए। अब तक जितने भी सेट आपने देखे सबके अंदर क्या होते थे, सिर्फ एलिमेंट होते थे, कॉमा लगा के लिख देते थे, लेकिन ये एक अकेला सेट होता है जिसके अंदर एलिमेंट नहीं बल्कि सेट ही होते हैं, ठीक है, पावर सेट कहलाता है। अब इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको, कौन सा पावर सेट होगा कौन सा नहीं होगा, थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये क्या होगा, 2 और 3 बिलोंग्स टू ए, और 2 belongs to A, इसका मतलब क्या है बताओ, 2 और 3 belong नहीं कर सकते A से, पूछो क्यों, यहाँ पर सेट लिखा है, पावर सेट नहीं है, बात आगे समझ में, क्यों, क्योंकि ये देखो सेट में लिखा है, सेट में belongs to के साथ सेट में लिखा है, बात आगे समझ में, ये हो सकती है सही क्योंकि एलिमेंट है, A जो है कैसा है, नॉर्मल सेट है, उसके अंदर क्या है 2 एलिमेंट है, ठीक है, लेकिन ये गलत है क्योंकि ए सेट के अंदर 2 और 3 एलिमेंट है ना कि सेट। तो ये कब सही होगा, जब यहाँ पर पी ए लिख देंगे, क्योंकि देखो पी ए के अंदर 2 3 ये बैठा पूरा का पूरा, ऐसी बात आ गई समझ में, ठीक है, क्लियर हो गई। ऐसी मैं लिखना चाहूँ 5 बिलोंग्स टू ए, और लिखना चाहूँ 1 और 2 belongs to PA, तो आप बताइए कौन सा सही है। देखो 5 belongs to A, 5 है ही नहीं सेट के अंदर, लिखा सही है लेकिन, क्योंकि 5 एज ए एलिमेंट है और सेट भी A एक एलिमेंट कंटेन करता है, सेट कंटेन नहीं करता है, ये बिल्कुल सही लिखा है। देखो PA, PA पावर सेट है, पावर सेट के अंदर एलिमेंट है क्या 1 2, गॉट इट, बिल्कुल सही लिखा है, ये doesn't belongs to आएगा वैसे, याद आ गया, अंतर समझ में आ गया। तो इसके जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा ब्रैकेट के अंदर लगाए जाते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ये खुद जो एलिमेंट्स रखता है वो एलिमेंट नहीं बल्कि सेट ही होते हैं, ठीक है, ऐसा सेट जिसके अंदर सेट ही एलिमेंट हो पावर सेट कहलाता है, लेकिन उसके अंदर सारे के सारे सबसेट होने चाहिए। अगर सपोज करो मैंने 5 हटा दिया तो ये सबसेट, ये पावर सेट नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया सबसेट सारे के सारे सबसेट होने चाहिए। देखो ये लिखा है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, सारे के सारे सबसेट आने चाहिए तभी वो पावर सेट कहलाएगा, वरना पावर सेट नहीं कहलाएगा। स्टूडेंट्स, वी हैव फिनिश्ड द डिस्कशन ऑफ एक्सरसाइज 1.3 इंट्रोडक्शन।
Tomorrow we are going to finish the very interesting exercise and examples. Okay, students? Okay, students, thank you very much for connecting with Kaksha Kendra. Jai Hind.